लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये आदिवासी नहीं है कि तुमन आदिवासी नहीं है कि अगर जनजाति अपना हमन का अधिकार। बता दें बलरामपुर के वाड्रफ नगर ब्लॉक में पुराने बैगा लोगों को मिला उनका अधिकार। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। बिहारी जी, आज आप लोग यहाँ क्यों आए थे और इतनी संख्या में? बिलाल जी का इस बार खड़ा हो जाए। आज हम लोग बसराजकोर धाम में सर्व आदिवासी के सभी समाज के सर्व आदिवासी भाई लोग आज बसराजकोर धाम के हम लोग पूरे मिल के बैगालों की जो परंपरा की जो बाबा बसराजकोर बोलो आज सर्व आदिवासी के हमारे जो कोरोना में बाबा बसराजकोर को जो बंद करके रखा गया था और सभी सर्व आदिवासी के समाज और सभी श्रद्धालु के द्वारा जो है आज बाबा बसराजकोर का गेट जो है खुलवा दिया गया है और सभी बाबा बसराजकोर का पूजा आज से शुरुआत हो गई है। बसराजकोर बाबा बंद रहे, आज सर्व समिति से आज हमर देवता धामी का जो बंद था, ताला लगा था, लाग था, वो आज खुला हुआ है। आज से हम लोग यहाँ सर्व समिति बनाएंगे और पूजा पाठ हम लोग पुराना बैगा लोग करेंगे। उतना दिन नया बैगा बंद था तो नया बैगा कर रहा था, आज पुराने बैगा लोग करेंगे ही यहाँ। बसराज कुंवर हमन के निकाल दे रहे हैं यहाँ से पूजा करे खातिन। हमन बाहरी रही, कोई दूसरे बैगा से नवा बैगा से हमर देवधामी जो बंद रहे, पूरा देश कर देवधामी खुल गई से, लेकिन आज तक हमर बसराज कुंवर बाबा बंद रहे। वो एकर चलते हमारे पूरे आदिवासी को सब कोई को बुलाए, गांव गांव में जाए के सौ गांव को खबर दिए, सौ गांव के लोग यहाँ आए, तब आज हम लोग सब सर्व आदिवासी मिलकर प्रशासन पर पुलिस पर हम लोग ताला खुलवाए हैं, सहयोग से सबका सहयोग से खुलवाए हैं। ठीक, बसराज कुंवर क्यों आए थे उसके बारे में विद्वत बताइए। बसराज कुंवर के संबंध में हम सरकार से बहुत दिन से मांग कर रहे थे। हमारा कहना है कि हम यहाँ जो पूर्वज से चलाते आ रहे हैं बैगा भाई लोग, उनको प्राथमिकता दिया जाए। क्या उनको प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा था? नहीं दिया जा रहा था कुछ वर्षों से, अभी दो तीन सालों से नहीं दिया जा रहा था। पहले इन लोग जैसे चलाते आ रहे हैं वैसी चलाने की मांग करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ सभा रखे थे। मैडम, आप जिला पंचायत सदस्य हैं और ट्रस्ट बनना या समिति का विकास होना, मंदिर का विकास होना आप नहीं चाहते हैं क्या? तो सभी जिलों में आप देख लीजिए, जैसे कुदरगढ़ माता को लेकर जाइए, आप इधर चले जाइए जसपुरी माता में। मैं क्योंकि मैं खुद चेरवा समाज की बेटी बहू हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो पूर्वज हमारे दादा पुरखा ने चलाते आ रहा है उसी के अनुरूप चले। क्या जो आप लोग का आंदोलन था 3 दिनों के लिए आयोजित की गई थी, क्या आज से वो विराम लग जाएगी? विराम लग जाएगा भैया, हमारा मांग पूरी हो गई। हमारा मेन उद्देश्य था दरवाज़ा खुलवाना, दरवाज़ा खुल गया। हमारे पूर्वज से जो बैगा चलाते आ रहे हैं उन्होंने आज अपना प्राथमिकता के आधार पर पूजा अर्चना चालू कर दी है, इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन आज ही रद्द किया गया। ट्रस्ट की अध्यक्ष, समिति की उपाध्यक्ष थी, आज अध्यक्ष नहीं आ पाए हैं, उस स्थिति में जो सर्व आदिवासी सर्व समाज के द्वारा जो बसराज कुंवर बाबा का दरवाजा खुला है उसके बारे में क्या कहेंगे और समिति के बारे में क्या अपने पक्ष रखेंगे? जब यहाँ का ट्रस्ट बना था, हमारे राजकुमार चाचा जी जब यहाँ का अध्यक्ष थे तो उन्होंने मैं उपाध्यक्ष के पद पे हमें नियुक्त करवाए थे। इसके बाद जब से नियुक्ति हुआ तब से इसके बाद दोबारा हम लोग किसी प्रकार का यहाँ कोई बैठक वैठक नहीं रखा गया और ना ही हम कभी आए। आज इन्होंने हमें बुलाया कि हम लोग सर समिति को भंग करने के लिए हम बैठक रख रहे हैं, आप उपाध्यक्ष हैं इसलिए आपको यहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है, इस उद्देश्य से हम यहाँ आए। और उन्होंने दरवाज़ा वरवाज़ा खुलवाया पहले कि बैगा से पूजा उजा करवाना ये चाहते हैं, तो जैसा सभी की इच्छा है उसमें हम सहमत हैं। किसी तरह से आपको कोई आपत्ति?
नहीं, मुझे क्या आपत्ति होगी? समिति के द्वारा किसी भी तरह से कोई आपत्ति दर्ज कराया गया क्या? समिति की तरफ से मेरे को भी कोई मतलब बात नहीं आई है, नया हमारे अध्यक्ष तरफ से या नहीं कोई सदस्य की तरफ से कि आप मैंने क्यों जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ऐसे इस प्रकार की कोई बातें नहीं आई है और उन्होंने मुझे बुलाया इसलिए मैं आई। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।